बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बात आपको बताती हूँ। रमजानुल मुबारक की अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद 30 दिन बाद रमजानुल मुबारक का चांद पहला रोजा हमारे साथ होगा, रमजानुल मुबारक हमारे साथ होगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने रमजान के लिए कुछ वज़ाइफ आपको बताए हैं, हर रोज के वज़ाइफ हैं, वो आप पढ़ना है। आपने सब मेरे सब्सक्राइबर जितने भी मुझे सुनने वाले हैं, उन्होंने रमजान में ये इबादतें जरूर करनी है। यकीन माने, आप जो पहली बातें आपने की हैं और इन बातों को भी करेंगे वो भी बहुत प्यारी है। लेकिन जो अब जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, यकीन माने करें तो पूरी जिंदगी में कभी आपने ना ऐसे रोजे रखे होंगे, ना ऐसी बातें की होंगी। छोटी छोटी बातें होंगी, बहुत प्यारी हैं, जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, आपने सिर्फ करना क्या है, आपने पहले सिर्फ रमजान के जो इशा की नमाज का वजीफा है, मेरा बहुत दिल किया मैं आपको बताऊं, तो आपने ये करना है। अगर आप रोज कर सकते हैं तो रोज भी करें, अगर रमजान में कर सकते हैं तो ये जरूर करें। तो बावजू होकर इशा की नमाज के बाद आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़े और फिर 11 मरतबा सूरह अल माईदा की आयात नंबर 114 की तलावत करें, 114 की तलावत करें। रमजान मुबारक इशा की जब नमाज होती है ना, तब ठीक है, ये अमल तब आपने करना है, तलावत करें। इसके बाद दोबारा से 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह से जो दुआ मांगेंगे, जो भी दुआ करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो दुआ कबूल व मंजूर होगी। उलमाए इकराम के मुताबिक इस वजीफे के लिए दुरूद इब्राहिम की तलावत भी की जाती है, जबकि छोटे और मुख्तसर दुरूद पाक भी पढ़े जा सकते हैं। ताहम वजीफे के लिए जरूरी है कि इसे पूरे यकीन कामल के साथ बावजू होकर करें, और जिसने जो मांगना है, जितनी भी कैसी भी बात है, कैसा भी दिल है, यकीन माने ये अमल करें, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कामयाब होंगे। इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और रमजान के जो वज़ाइफ आपके साथ पेश किए जाएंगे, आपसे वादा लिया जाएगा कि आप जरूर वो करेंगे। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।